था कि सुयोग्य शिक्षक बंधु और इस एनसीसी को अपने उच्चतम मानकों तक पहुंचाने में लगे हुए आप सबके एनसीसी के प्रभारी एएनओ पवन कुमार जी और प्रिय कैडेट्स, हम सब नदी उत्सव और जब हम कोई वर्दी पहन लेते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, दूसरों से अलग दिखाई देते हैं और जहाँ जहाँ वर्दी होती है तो उनकी जिम्मेदारी औरों से ज़्यादा होती है। आप देखते होंगे सेना में भी निश्चित वर्दी होती है, पुलिस में भी निश्चित वर्दी होती है और सेना का ही पार्ट एनसीसी है जिसमें भी निश्चित वर्दी होती है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9th से इसको एक सब्जेक्ट के रूप में भी मान्यता दी है और उस मान्यता का जो दस्तावेज लिखा था तो मेरे दोनों ओर दोनों लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने हाथों से ये प्रस्ताव भिजवाया था। वरुण जी आपने लिखा था और आज पूरे उत्तर प्रदेश में एनसीसी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाने लगी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जिस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, नदी उत्सव। तो जो ब्रज की भूमि है और विशेष रूप से गोकुल, जो सभ्यता लगभग 5,500 वर्ष पुरानी है, उसको नदी की सभ्यता के रूप में जानते हैं क्योंकि यहाँ की अगर कोई भी घटना की बात होगी तो भगवान कृष्ण के बिना शुरू हो सकती है क्या? तो नदियों का महत्व, जैसा सुरेश जी ने बताया कि इस देश के अंदर कोई भी संस्कृति पैदा हुई है तो वो नदियों के सहारे ही पैदा हुई है और बड़े बड़े सारे शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए। भाई सारी जनता के लिए पानी सबसे आवश्यक चीज है। अब आप सबको मालूम होगा पेट्रोल खत्म होने जा रहा है, डीजल खत्म होने जा रहा है, अब कार्य किससे चलेंगे? पानी से। और अपने देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो अपनी कार भी ले आए हैं जो पानी से चलती है, हाइड्रोजन से चलती है। और आज हम सबके सामने अगर कोई सबसे बड़ी समस्या भी खड़ी हुई है तो किसकी खड़ी हुई है? पीने के पानी, क्योंकि पूरी दुनिया में